Hey guys, फूडी रुपेश के नए एपिसोड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रुपेश पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फूडी रुपेश। तो गाइस आज हम लोग आए हैं दमन शहर में और आपको दमन शहर में ना सबसे बढ़िया राजू नाश्ता सेंटर में लेकर आए हैं और यहां पर है ना वड़ा पाव, भजिया और समोसा बहुत ही अच्छा मिलता है और ये यहाँ पर काफ़ी फेमस और पॉपुलर भी है और यहाँ की पब्लिक है ना यहाँ का नाश्ता काफ़ी पसंद करती है। तो मैंने सोचा चलो आपको है ना दमन शहर का बढ़िया सा नाश्ता दिखाया जाए, इसलिए मैं आने आपको आपको लेकर आया हूँ राजू नाश्ता सेंटर में। चलिए यहाँ के ऑनर से थोड़े बातचीत करते हैं और आपको यहाँ का बढ़िया सा है ना दो तीन नाश्ता दिखाते हैं। तो एक काम करिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए और अपने भाई का चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लिए। चलिए यहाँ के ऑनर से मिलकर आपको बढ़िया सा नाश्ता दिखाते हैं। तो गाइस मेरे साथ है राजू नाश्ता सेंटर के ऑनर, इनसे मिलते हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। राजू। अच्छा आपका नाम राजू भाई है। हाँ राजू। अच्छा राजू भाई क्या बना रहे हैं अभी? समोसा। समोसा बना रहे हैं क्या? समोसा का प्राइस क्या रखा है? समोसा 20 का 3 है, 15 का 2 है। अच्छा 20 का 3 है, 15 का 2 है। और समोसा के अलावा और क्या क्या मिल जाता अपने पास? भजिया है, कटलेट है। अच्छा और मैंने सुना आपके यहाँ का वड़ा पाव काफी फेमस है। हाँ वड़ा पाव फेमस है। क्या वड़ा पाव का क्या प्राइस रखा है? 20 रुपया। 20 रुपया। अच्छा चार बड़ा दो पाव। चार बड़ा और दो पाव मतलब 10 रुपए का एक पड़ेगा। हाँ 10 रुपए का एक पाव दो बड़ा। अच्छा यहाँ का टाइमिंग क्या रखा है? टाइमिंग है सुबह 7:30 से रात को 9। अच्छा 7:30 से 9 बजे तक का टाइम रहता है। और सर यहाँ का थोड़ा एड्रेस समझा दीजिए। पूरा एड्रेस यही है, 3 बत्ती देव का रोड। अच्छा हाँ सिद्ध विनायक बिल्डिंग के सामने। अच्छा और राजू भाई कब से चालू किया है यहाँ पे? 12 साल हो गया है। 12 साल हो गया। तो गाइस देख लो अगर आपको दमन में बहुत बढ़िया नाश्ता करना है तो आइए राजू भाई के यहाँ। तो राजू भाई इसके पहले क्या करते थे आप? पहले भी नाश्ता का दुकान था। नाश्ते का ही काम करते थे? हाँ नाश्ता। तो राजू भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो? एमपी मुरैना जिला से। अच्छा और एमपी की पब्लिक ज़्यादा क्या खाना पसंद करती है वहाँ पे? यही समोसा और कचौरी। समोसा कचौरी ज़्यादा पसंद करती है? हाँ ज़्यादा पसंद करती है। तो ये आपने समोसा का क्या रेट बोला था? 10 का 15 का 2 20 का 3। अच्छा 15 का 2 20 का 3 है। इसके अलावा आपको वड़ा पाव और भजिया दोनों मिल जाता है? हाँ सब मिल जाता है। और राजू भाई हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ हमारे यहाँ एक बार आइए नाश्ता करिए दमन में। अच्छा। राजू नाश्ता सेंटर। तो राजू भाई हमारे व्यूअर्स को क्या दिखाना पसंद करेंगे? वड़ा पाव, समोसा, भजिया। अच्छा तो गाइस देख लो अभी क्या बना रहे हैं आप? अभी यहाँ पे वड़ा बना रहे हैं। तो राजू भाई कैसा आइडिया आया था यहाँ पे चालू करने का? काम करना पड़ा, सीखना पड़ा। सीखना पड़ा। तो यहाँ की जो दमन की पब्लिक है यहाँ पर आकर खाना ज्यादा पसंद करती लगता है? तो गाइस देख लो यहाँ पे काफी सारी पब्लिक है ना बैठी हुई है और यहाँ का नाश्ता कर रही है। तो मैंने सोचा चलो आपको यहाँ पर बढ़िया से आकर नाश्ता दिखाया जाए। तो राजू भाई हमारे लिए ना एक बढ़िया सा वड़ा पाव बना दीजिए। तो गाइस देख लो दमन का हमने सबसे बढ़िया सस्ता नाश्ता सेंटर में आपको लेकर आ गए हैं राजू नाश्ता सेंटर में। यहाँ के ऑनर भी मेरे साथ में हैं,
आपने यहाँ इनका बहुत सारा वीडियो देखा होगा, पहली बार आप है राजू भाई को देख रहे हैं। तो राजू भाई, ये आपने यहाँ पे वड़ा पाव दिया था ना, इसका प्राइस कितना बताया था? 20 रुपए, मतलब 10 रुपए का एक वड़ा पाव, 10 रुपए का। साथ में चटनी आई, चटनी आई। दूसरा यहाँ पे समोसा दिया था, समोसा क्या प्राइस बताया था? 20 रुपए, ये भी 20 का तीन आया, 20 का। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे समोसा का साइज देखेंगे ना, काफी बड़ा साइज का है और पाव भी बहुत बढ़िया है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ के पाव से। तो आप इतना सस्ता कैसे मैनेज कर ले रहे राजू भाई? नहीं, सस्ता चल रहा है, दमन में है ही ऐसा, इतना दमन में यही भाव है। तो गाइस देख लो, ये रहा यहाँ का वड़ा। तो इसको है ना, अब ये है ना, इसके साथ दो वड़ा देते हैं, पर मैं अभी एक ही लेके ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ की ये इन्होंने यहाँ पे ये चटनी दी थी, आप पास से देखिए। तो गाइस देख लो, ये रहा यहाँ का चटनी। तो गाइस ये है ना, मुझे कड़ी लग रहा है, राजू भाई से पूछते हैं, राजू भाई ये चटनी है कि कड़ी है? हाँ, कड़ी है, कड़ी, कड़ी है। चटनी बोलते हैं पर कड़ी है ये। और इसमें कुछ तीखा चटनी जैसा कुछ आपने डाला था? हाँ, तीखा चटनी डाला है। और साथ में यहाँ पे आपको मिर्ची मिला था, तो इसका स्वाद काफी अच्छा है। अगर आपको दमन शहर आए हो और दमन में कुछ बढ़िया सा वड़ा पाव और समोसा खाना चाहते हैं, तो आइए राजू नाश्ता सेंटर में। यहाँ पे इन्होंने समोसा भी दिया था, तो समोसा देख लीजिए। तो गाइस देखेंगे, यहाँ पे समोसा दिया था, ये मेरे सामने किए थे। तो इसकी फीलिंग में है ना, मुझे स्वीट कॉर्न दिख रहा है, बटाना दिख रहा है। और ये राजू भाई, इसमें क्या क्या डाला था आपने इसकी फीलिंग में? बटाना है, बटाका है, चना की दाल है। अच्छा, तो गाइस इसका स्वाद करते हैं। तो इसका स्वाद काफी अच्छा है, तो आप भी अगर दमन में आ रहे हो तो यहाँ का नाश्ता जरूर ट्राई करना। दूसरा यहाँ पे राजू भाई, ये यहाँ पे आपने भजिया भी दिया था? हाँ, भजिया भी दिया। तो ये भजिया का क्या प्राइस है? वो भी 20 रुपए प्लेट है। 20 रुपए प्लेट है, मानो जैसे किसी को किलो लो में लेना है, क्या प्राइस पड़ जाएगा? किलो को तो पड़ जाएगा कम से कम, तो 20 का 100 ग्राम है, 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो पड़ जाएगा। तो भाई इसको भी है ना चटनी से ट्राई करते हैं। ये तीनों को जो सबसे खास बना रहा है ना, वो यहाँ की चटनी है। तो ठीक है गाइस, अगर आप दमन शहर में आए हो और एक बढ़िया सा ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ सबसे सस्ता नाश्ता सेंटर मिल जाए, तो राजू नाश्ता सेंटर आपके लिए बढ़िया ऑप्शन मिलने वाला है। और यहाँ का लोकेशन काफी इजी है, तो अगर आप यहाँ पे दमन शहर आए तो 3 बत्ती रेखा रोड पर आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, वीडियो के लास्ट तक आ गए, तो जाते जाते अपने भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे शाम को 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।